प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आप सभी को नववर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज शास्त्र सम्मत एक ऐसी सटीक जानकारी देने वाला हूं जो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करेगी। साल 2021 का जो पहला दिन है उस दिन एक खास नक्षत्र की उपस्थिति रहेगी। साल 2021 का जो शुभारंभ है यह एक खास नक्षत्र के साथ हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इस नक्षत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है। पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में साल 2021 का शुभारंभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, साल 2021 का जो पहला दिन है यह ऐसे लड़के या लड़कियों के लिए बहुत खास रहेगा जिनका ये विवाह में लगातार डिले चल रहा है। विवाह में किसी ना किसी कारण से लगातार विलंब चल रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह के लिए प्रस्ताव आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। या ज्योतिषीय आधार पर ग्रह गोचर की कोई स्थिति ऐसी बन रही हो उसकी वजह से लगातार विवाह में डिले चल रहा हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो इस कारण का मैं निवारण आज बताने वाला हूं। मैंने लाखों कुंडलियों में रिसर्च करके देखा है और लाखों लोगों पर इन प्रयोगों को आजमा करके देखा है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में लगातार विलंब हो रहा है उसका सटीक निवारण क्या हो सकता है। तो आपको करना चाहिए साल 2021 के पहले दिन से यदि आप इन उपायों का शुभारंभ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि पहले दिन से नहीं भी कर पा रहे हैं तो पुष्य नक्षत्र जब भी आए, क्योंकि 27 दिन बाद आएगा, फिर जैसे कि 1 जनवरी को आएगा, यदि 1 जनवरी से आप स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर 27 दिन बाद फिर पुष्य नक्षत्र आएगा, तब आप इन उपायों को करना शुरू कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं इन सभी से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी पर ऑथेंटिक सटीक जानकारी। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बताना चाहूंगा जिन लड़कियों के विवाह में डिले चल रहा है उन लड़कियों को क्या करना चाहिए। बहुत आजमाया हुआ प्रभुत्व सिद्ध प्रयोग है जो काफी लोगों को मैंने करवा करके देखा है, आप भी आजमा करके देख सकते हैं। श्रद्धा से, भाव से, समर्पण भाव से यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो मैं 101% कह सकता हूं निश्चित तौर पर। 41 दिन की इसकी अवधि रहती है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा जिन लड़कियों के विवाह में लगातार डिले चल रहा है उनको यह प्रयोग 21 मंगलवार तक करना है। लाल कपड़े में जटा वाला नारियल लेकर के और 5 गुलाब के पुष्प लेकर के और अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए मां भगवती दुर्गा के चरणों में आपको समर्पित करना है ये। और एक खास मंत्र है, वह आप मंदिर में बैठ करके इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। जब आप लाल कपड़े में जटा वाला नारियल और 5 पुष्प रख करके जब आप मंदिर में इसे समर्पित कर रहे हैं उस समय खास मंत्र है, उसका आपको उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुते देही पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप समर्पित कर दें और संभव हो तो इस मंत्र को 108 बार माता दुर्गा के समक्ष बैठ करके अपनी मनोकामना के लिए आप पढ़ें। ये आपको यह प्रयोग 11 मंगलवार तक करना है। आप यकीन मानिए निश्चित रूप से चाहे एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से कोई भी स्थिति परिस्थिति बन रही हो आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। अब बात करते हैं लड़कों की। देखिए जिन लड़कों के लगातार विवाह में डिले चल रहा है, लड़कों के विवाह की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास होती है। इनके इन किसी भी प्रकार से जब ये कमजोर स्थिति में होता है तो लगातार विवाह में डिले होता ही चला जाता है। तो विवाह में लगातार देरी बनी हुई है उन लड़कों के लिए बहुत खास प्रयोग है, उन्हें अवश्य श्रद्धावनत होकर के ये प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर नित्य शहद चढ़ाना चाहिए और शहद चढ़ाते हुए शुक्र देव का जो मंत्र है इसका उच्चारण करना चाहिए। शुक्र देव का मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शहद चढ़ाना चाहिए और फिर भोलेनाथ के समीप बैठ करके इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। यह प्रयोग यदि नित्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 11 सोमवार को तो ये आपको अवश्य करना है, सोमवार को छोड़ना नहीं है। यदि आप ऐसा 11 सोमवार करते हैं तो कुंडली में शुक्र की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो वह ठीक हो जाएगी और आपके विवाह में जो भी
परेशानी आ रही है, विवाह में जो देरी हो रही है, विलंब होने का कारण बन रहा है, वह ठीक होगा और निश्चित रूप से आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। तो ये दो महा उपाय है जो मैंने बहुत सारे लोगों पर आजमा करके देखे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी विवाह में लगातार डिले चल रहा है तो आप इन प्रयोगों को अवश्य करें। साल के पहले दिन से शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साल का पहला दिन है, पुष्य नक्षत्र है, ज्योतिषी आधार पर भी विशेष मुहूर्त है उस दिन का। यदि पहले दिन से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जब आगे पुष्य नक्षत्र आएगा उस दिन से आप इन उपायों को करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और भी आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी संतान के बारे में, करियर के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप मेरे से कभी भी कर सकते हैं। और आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।